अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, सर्दी का मौसम है, आजकल धूप कम निकलती है, ठीक है ना। कुछ लोगों को इमरजेंसी में दवाई बनानी होती है तो सोचते हैं कैसे सुखाएं, तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। लेकिन ये इमरजेंसी में कभी बनानी पड़े तभी आपने इसका इस्तेमाल करना है, रेगुलर नहीं करना, ठीक है ना। ये देखिए, हमने ये दवाई सुखाई, देखिए कैसे टनाटन हो गई, देखिए एकदम टनाटन हो गई कुछ देर, थोड़ी देर में। देखिए ये एरेटर है जो कि सर्दियों के मौसम में रूम में रखते हैं, रूम को गर्म करने के लिए, कमरों को गर्म करने के लिए। इसमें से गर्म हवा निकलती है, देखिए इस तरीके से। आप देखिए, सीधी हवा इस पर लग रही है, थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। देखिए ये एकदम टनाटन हो गई, थोड़ी देर में एकदम सूख गई दवाई। ये अभी सूखानी है, अभी थोड़ा धूप हल्की निकल रही है, धूप तो निकल रही लेकिन नमी, मतलब इतनी ज़्यादा सूखती नहीं दवाई जल्दी से। तो जनवरी का महीना चल रहा है तो ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसमें आप सुखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा छीदा रखना है, मिला के नहीं रखना है, इसको छीदा रखना है और हल्की हीट देनी है। थोड़ी देर में आपकी दवाई टनाटन सूख जाएगी, इस तरीके से सुखा सकते हैं। ये हम दवाई तब तैयार कर रहे हैं, ये टाइमिंग के लिए जो कि वक्ती तौर पर 1-2 घंटा पहले आधा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून इस्तेमाल करने से ही जो है ना आधा घंटा 1 घंटे के हिसाब से टाइमिंग बढ़ जाती है। दवाई तैयार कर रहे हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सुखाने का तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से सुखा सकते हैं। ये बहुत शानदार दवाई है, बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, टाइमिंग के लिए, वक्ती तौर के लिए 2 घंटा पहले इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही शानदार चीज़ है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से सुखाने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। ये मुगलिस तैयार कर रहे हैं जो कि मैंने अभी वीडियो डाली है, नुस्खा मैंने डाला हुआ है ये वाला। ये मनी को, वीरे को गाढ़ा करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि पूछो मत। और एक ये दवाई तैयार कर रहे हैं, ये जो है टाइमिंग तनाव के लिए, जिनको इरेक्शन नहीं आता उनके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। ये पहली दूसरी गोली में इतना शानदार रिजल्ट आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अभी ये खलल चल रही है, इसमें पान का रस डाला है हमने, थोड़ा थोड़ा डाला है, खलल किया है, इसको ये खुशक होने वाली है, थोड़ी इसमें और मेहनत लगेगी पर चीज़ बनेगी बड़ी लाजवाब, ठीक है दोस्तों। तो इसको बनाइएगा, फ़ायदा उठाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसको ज़्यादा देर नहीं चलाना वरना दवाई ख़राब होने का भी डर रहता है, ठीक है ना। तो इसको कुछ देर के लिए चला कर छोड़ दें और उसके बाद ही आपकी दवाई टनाटन हो जाएगी। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए एकदम टनाटन हो गई है। तो दोस्तों सुखाने का तरीका आपको बता दिया है, ये वक्ती तौर पे कभी कभी इस्तेमाल करना है ये वाला सुखाने का तरीका, इसको रेगुलर नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है, धुंध है, धूप नहीं निकल रही तो तब सुखा सकते हैं आप, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ार में रूम हीटर के नाम से मिल जाएगा, एयर वाला, हवा वाला, ठीक है ना दोस्तों। मेरे हिसाब से तो ये जो है ना रूम के लिए साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वक्ती तौर पे यूज़ करने के लिए कोई वो नहीं है। इसे बहुत कम इस्तेमाल किया करें आप घर पे ना, ज़्यादा रेगुलर ना चला करें, कुछ देर के लिए चला करके फिर बंद कर दिया करें, ठीक है ना, रूम हीटर को। तो ये मैंने सुखाने का तरीका आपको बताया, तो इस तरीके से आप कोई भी दवाई आसानी के साथ सर्दियों के मौसम में या बरसात में आप इसको दवाई को सुखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं सुखानी, इस पर बहुत कम सुखानी है। और अपने घर में कमरे में भी बहुत कम इस्तेमाल किया गया, ये समझ लो कि 10 मिनट में या 15 मिनट में आपकी दवाई टनाटन हो जाएगी, इतनी सूख जाएगी, इतनी मतलब ये वक्ती तौर पे इस्तेमाल करना है, बस याद रखना है, इसको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना अपने अपने रूम वगैरह में या फिर दवाई सुखाने में, तो बहुत कम इस्तेमाल करना है, 5 से 10 मिनट में आपकी दवाई टनाटन हो जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं इसको इस्तेमाल करना, बहुत कम इस्तेमाल करना, जब कभी धूप वगैरह ना निकले या फिर बारिश वगैरह का मौसम हो, बारिश हो रही हो और आपको इमरजेंसी में दवाई बनानी हो, दवाई नरम हो, गीली हो, तो तभी इसका इस्तेमाल करना है, वरना धूप वगैरह में सुखाया करें या छांव में सुखाया करें, ठीक है ना। छांव में बहुत अच्छी सूख जाती है गर्मी के मौसम में, अगर वह इमरजेंसी में है तो तब तो चलो मजबूरी है, कर लेते हैं। अच्छा एक तरीका और भी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में, वो जैसे 100 वाट का बल्ब नहीं होता, बल्ब 100 या 200 वाट का, तो उसके ज़रिए से सुखा लेते हैं, वो भी तरीका बढ़िया है, बट उसमें टाइम लगता है। ये 5-10-15 मिनट, इसमें जो है 10-15 मिनट सूख जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो तरीका मैं कोशिश करूँगा बताने की, लेकिन ये थोड़ा ईजी है, इसमें आप कर सकते हैं।